जबलपुर में पिछले 2 दिनों से जिले के अधिकांश भागों में कोहरा छाया हुआ है। शाम ढलते ही कोहरा शहर को अपनी आगोश में ले लेता है और रास्तों पर किसी हिल स्टेशन जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। शाम होते ही शहर में चारों ओर कोहरे की सफेद चादर सी दिखाई देने लगती है। शाम को कोहरा दिखते ही रास्ते सुनसपाट हो जाते हैं, सड़कें सूनी सूनी दिखाई दे रही हैं। रास्तों पर दिखाई देता है तो सिर्फ कोहरा और स्ट्रीट लाइटें। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा सा दिखाई दे रहा है। बिगड़ते मौसम के चलते ठंड का असर जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। भीषण ठंड के चलते लोग घरों से निकलने में भी कतराने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने भीषण ठंड को देखते हुए 8 जनवरी से 20 जनवरी तक शासकीय और अशासकीय शालाओं में सुबह लगने वाली कक्षाओं में समय परिवर्तन कर दिया है। सुबह 7:30 बजे से लगने वाली कक्षाएं अब सुबह 10 बजे लगाने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। जबलपुर में तापमान में लगातार गिरावट के चलते आसमान में बादल और जमीन पर कोहरा दिखाई दे रहा है। जबलपुर में दिन का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबलपुर संभाग में सुबह से हल्के और मध्यम कोहरा रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि जबलपुर में 2 से 3 किलोमीटर की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिससे शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हाँ, जबलपुर में तो बहुत कोहरा है और यहाँ पे रात के टाइम बहुत कोहरा हो जाता है कि धुंध हो जाती है कि आदमी की गाड़ी नहीं दिखती है। और यहाँ नर्मदा किनारे के इससे तो और तो ज्यादा कोहरा हो गया। कैसा लग रहा है जबलपुर का? मजा आ रही है, कश्मीर का मजा आ रहा है। बाकी यहाँ गरीबों की क्या व्यवस्था? गरीबों की तो यहाँ पे 3 बस स्टैंड में कोई व्यवस्था नहीं। कम से कम यहाँ रैन बसेरा बनना चाहिए या कम से कम एक चाय की दुकान तो खुलना चाहिए। कहाँ से आए भाई साहब और क्या लग रहा है आपको? मैं दमो से आया हुआ हूँ, पिछले 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है, कश्मीर जैसा बिल्कुल माहौल बन गया है जबलपुर का। कुछ दिन से तो बहुत ही ज्यादा कोहरा हो रहा है, आनंद भी आ रहा है और ठंड भी बहुत पड़ रही है और कोहरे के साथ ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है पहले से अपेक्षा भी। शासन प्रशासन को अब व्यवस्था करनी चाहिए। क्या है कि कोहरे के कारण एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। क्या है, सामने से गाड़ियां आती ही रात को दिखाई नहीं देती है, रफ्तार बहुत ज्यादा रहती है आजकल गाड़ियों की, उस कारण से एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। गरीब आशाएं लोग जो रोड में सोते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए अब शासन प्रशासन और कुछ बड़े लोगों द्वारा, कुछ अच्छी अच्छी संस्थाओं द्वारा की जाती है व्यवस्थाएं। अब तो कुछ कंबल बांटते हैं, कुछ गरीबों को अपने अपने प्रकार से सब लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब शासन प्रशासन भी लगा है, जहां देखता है वहां मदद करता है, ऐसा नहीं है। अपनी जगह पे शासन प्रशासन भी अच्छी व्यवस्था में लगा हुआ है। आपका शुभ नाम? मोहित वासवानी।